दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. PSL 2021 का ट्रॉम मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में खेला जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस मैच का प्रेडिक्शन एंड प्रीव्यू, यानी कि आपको बताएंगे कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, क्या है दोनों टीमों का पास स्टैट, पिच रिपोर्ट के साथ साथ इस मैच की बेस्ट फैंसी टीम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है। और हाल ही में मुझे माय 11 सर्कल ऐप नाम का एक बेहतरीन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप मिला, जहां पर आप बड़े बड़े पैजेस जीतने के लिए अपने क्रिकेट नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। माय 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको दोनों विरोधी टीमों में से अपने 11 खिलाड़ियों को चुन लेना है और अपनी टीम बना लेना है। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर हम सच में वीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, सैम वॉटसन और राशिद खान जैसे चैंपियंस क्रिकेटरों के साथ खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। खास करके मेरे व्यूअर्स को फर्स्ट डिपोजिट पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। आपका जीता हुआ पैसा सीधे आपके खाते में विड्रॉल कर दिया जाएगा। माय 11 सर्कल वास्तव में बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर ऐप है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ विजेता ऐसे भी हैं जो कि माय 11 सर्कल पर हाल ही में करोड़पति बने हैं। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। सबसे पहले बात करते हैं पिच की। तो ये जो मुकाबला शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाने वाला है और पूरे मैच यहीं पर ही खेले जा रहे हैं। अभी तक के जो मैच यहां पर खेले गए हैं उस पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें पता चलता है कि बल्लेबाजों को खेलने की आजादी इस विकेट पर नहीं मिल रही है, गेंदबाज हावी रह रहे हैं और एक एवरेज स्कोर वाला मैच हमें देखने को लगातार मिल रहा है। और इस मैच में भी कुछ अलग नहीं रहने वाला। स्कोरिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, सेम टू सेम वही बयां करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर 160 से 170 के आसपास का स्कोर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हेड टू हेड बैटल्स की। तो इन दोनों टीमों के बीच 12 हेड टू हेड बैटल्स खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 बार क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जीत मिली है, वहीं 5 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत मिली है। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो यहां पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम पिछले 5 मैचों में से 1 मैच जीती है, 4 मैच हारी है। वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पिछले 5 मैचों में से 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। लास्ट 5 हेड टू हेड मैचों का ओवरव्यू देखें यहां पर तो हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी मुकाबला जीती है इन दोनों टीमों के बीच जो भी हेड टू हेड मुकाबला खेला गया है, और वो मुकाबला इसी पीएसएल में खेला गया था, यानी कि 2 मार्च 2021 को खेला गया था। उससे पहले लगातार 4 मुकाबले क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जीते, यानी कि पिछले 5 हेड टू हेड मुकाबलों में से 4 मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम ने जीते हैं, सिर्फ 1 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जीते हैं। पॉइंट टेबल पर 4th नंबर पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 5 में 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। वहीं क्वेटा ग्लेडिएटर्स 5 में सिर्फ 1 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इनकी प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स की। तो इनकी बल्लेबाजी पेपर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इनके पास उस्मान खान जो कि 1 ही मैच खेले हैं इस पीएसएल में और 81 रन बनाए हैं, फैब डुप्लेसिस हैं, कैमरन डेलप्रोट, सरफराज अहमद, उसके अलावा आजम खान, अंदर अर्शेल जैसे खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है इनके बल्लेबाजों का फ्लॉप शो। जी हां, इनके पास बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है लेकिन सब जो है फ्लॉप साबित हुए थे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ सरफराज अहमद ने 5 मैचों में 85 रन बनाए हैं, उसके अलावा कोई भी 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं किया है। उस्मान खान 1 मैच खेले हैं, 81 रन जरूर बनाए हैं। फैब डुप्लेसिस से काफी उम्मीदें हैं इस मैच में क्योंकि आईपीएल खेलकर आ रहे हैं, वहां पर इनका काफी अच्छा फॉर्म हमें देखने को मिला था। तो इस मैच में मुझे जहां तक लगता है कि फैब जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अंदर अर्शेल भी ये मुकाबला खेलेंगे तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से कहर बरसा सकते हैं। उस्मान खान 1 ही मैच में 81 रन बनाए हैं, काफी हाई कॉन्फिडेंस है इनका, देखते हैं कि इस मैच में क्या उखाड़ पाते हैं। वैसे आपको इनको इस खिलाड़ी को आपको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर शामिल करना है। वही बात की जाए इनकी गेंदबाजी की तो गेंदबाजी इनकी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म रह रही है बल्लेबाजों की तुलना में। आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ियों ने 6-6 विकेट लिए हैं, महमूद ने और उसके अलावा हसनैन ने, उसके अलावा भी बाकी गेंदबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। और अब तो इनकी टीम में अंदर अर्शेल भी आ गए हैं जो कि रेगुलर गेंदबाजी भी करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो इस पीएसएल में यानी कि जब से दूसरा वाला पार्ट शुरू हुआ है तब से 1 मैच ये टीम खेल चुकी है और वो मैच हार गई थी। उस मैच में हमें देखने को मिला था कि इनके बल्लेबाज एकदम फिसड्डी साबित हुए थे। आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर 27 रन बना था, वो भी 7वें-8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी फहीम अशरफ ने बनाया था। सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं इनके पास जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मुनरो जो कि बड़े नाम हैं। इनकी बल्लेबाजी डीप भी नहीं है ना ही मजबूत है, तो
बल्लेबाजी कमजोर कड़ी इनकी दिख रही है। साथ ही साथ पहले मुकाबले में जो अभी खेला गया था 15वां मुकाबला पीएसएल 2021 का, उसमें भी हमें यह देखने को मिला था कि बल्लेबाजी इनकी काफी कमजोर है। गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त है। हसन अली है जो कि तुड़ुक का इक्का इस मुकाबले में साबित हो सकते हैं। पहले मुकाबले में यानी कि अभी जो मुकाबला खेला गया था उसमें 2 विकेट भी लिया था। फहीम अशरफ है और उसके अलावा सदाब खान भी गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे पहले मैच के दौरान। कुछ स्पेशल स्टैट्स देख लेते हैं, जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती है तो कौन कौन खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। तो सरफराज अहमद 11 पारियों में 243 रन बनाए हैं इनके खिलाफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 30 का एवरेज है। मोहम्मद नवाज 12 पारियों में 163 रन बनाए, साथ ही साथ 10 विकेट भी इन्होंने लिया है। मोहम्मद हसनैन 4 पारियों में 8 विकेट लिए हैं और जाहिद महमूद 1 पारी में 2 विकेट लिए हैं। बात की जाए अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की जो कि क्वेटा ग्लेडर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, तो सदाब खान अच्छा तो नहीं खेलते, 8 पारियों में सिर्फ 106 रन ही बना पाए, गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं करते। हसन तलत 6 पारियों में 143 रन बनाए, बहुत ही अच्छा एवरेज है इनका। फहीम असरम 7 पारियों में 13 विकेट, सिर्फ 7 पारियों में 13 विकेट इन्होंने लिया है। हसन अली 12 पारियों में 14 विकेट। तो ये है कुछ प्लेयर्स जिनको आपको अपनी टीम में शामिल करते वक्त इन स्टैट्स को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सेलेक्ट करने के लिए ये हमने माई 11 सर्कल को हमेशा की तरह ऑन कर लिया है। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ₹1500 का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स को फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिल सकता है। ये जो मैं टीम बता रहा हूँ ये हेड टू हेड की स्मॉल लीग की टीम है, फाइनल टीम भी नहीं है। फाइनल टीम अपडेटेड टीम जो टेलीग्राम पर आएगी। साथ ही साथ जो प्लेयर्स मैं बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतरीन टीम तैयार कर सकते हो। तो फाइनल अपडेटेड टीम के लिए और ग्रैंड लीग की टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले सरफराज अहमद को हमने अपनी टीम में शामिल किया है जो कि बहुत ही अच्छा खेलते हैं इस टीम के खिलाफ और ये अच्छे फॉर्म में भी है। 6 बल्लेबाजों के साथ हम जा रहे हैं। आसिफ अली को अपनी टीम में शामिल जरूर करना, फैफ डुप्लेसिस से काफ़ी उम्मीदें हैं। उस्मान खान, उस्मान ख्वाजा, कैमरन डेलपोर्ट और कॉलिन मुनरो को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। उसके अलावा 3 ऑलराउंडर्स को हमने लिया है, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और अंद्रे रसेल को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। अंद्रे रसेल से काफ़ी उम्मीदें हैं, हसन अली से भी मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी एक और गेंदबाज आप चाहे तो अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग 11 आने के बाद, फाइनल प्लेइंग 11 आने के बाद। तो टेलीग्राम पर वो मैं बताऊंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो मेरे अनुसार अंद्रे रसेल को कैप्टन और फैफ डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, बाकी चॉइसेस आपकी है। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो मेरे अनुसार ये जो मैच है क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ हो सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच में जीत हासिल कर सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।